तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिक्स्थ वीडियो में हाजिर है आपके सामने। इसमें हम आज देखने वाले हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन, जो लैब एक्सरसाइज का है, उसका सॉल्यूशन। इसमें ये कहा गया है कि डिजाइन ए जीयूआई एप्लीकेशन इन जावा टू कन्वर्ट द किलोग्राम इंटू ग्राम, लीटर्स इंटू मिली लीटर्स एंड रुपीज इंटू पैसा यूजिंग ए कॉम्बो बॉक्स एंड टेक्स्ट फील्ड। तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, एक नया हम देखेंगे इस वीडियो में, और कैसे यूनिट कन्वर्ट करते हैं वो भी आज सीखेंगे। हमेशा की तरह मैंने इसका एक इंटरफेस पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसका इंटरफेस मैंने डिजाइन किया हुआ है। इसमें कुछ खास बातें मैं आपको बताने चाहूंगा। सबसे पहले कि ये एक कॉम्बो बॉक्स यहां यूज किया है कि जिसमें ये राइट साइड वाला ये बटन को मैं प्रेस करूंगा तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। क्या क्या ऑप्शन नजर आएंगे, देखिए ये प्रॉपर्टीज में आपको मैं दिखा देता हूं। पहले दिखाएंगे किलोग्राम टू ग्राम, फिर लीटर टू मिलीलीटर, फिर रुपी टू पैसा। ऐसे करके तीन ऑप्शन आपको नजर आएंगे। उसके बाद यहां जो एक टेक्स्ट फील्ड है ना, ये आपको डिजाइन और एक लेबल भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ब्लैंक। ये दोनों जो है पहले से डिजेबल होके रहेंगे जब हम इसको रन करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखिए शिफ्ट दबा के F6 दबाया, देखिए ये टेक्स्ट फील्ड और यहां लेबल दोनों डिजेबल होके हैं। जैसे मैं यहां से कोई एक चूज करता हूं, लीटर टू मिलीलीटर मान लीजिए चूज किया, तो जैसे ही चूज किया देख सकते हैं आप ये दोनों एक्टिवेट हो गए। यहां पे एक टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, एंटर वेट इन लीटर्स, ठीक है। तो मैं यहां वेट डालता हूं 10 लीटर्स, फिर जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो 10 लीटर कितना मिली लीटर है वो आपको नीचे नजर आ रहा है। फिर जब रिसेट दबाऊंगा तो सारे ऑफ हो गए। तो इस तरह से मैंने ये डिजाइन किया हुआ है। फिर एक बार दिखा देता हूं, मान लीजिए किलोग्राम टू ग्राम किया तो यहां आ गया एंटर वेट इन किलोग्राम्स, मैंने यहां डाल दिया 50.2 किलोग्राम। फिर सबमिट दबाया तो ये आ गया 50,200 ग्राम्स। 1 किलोग्राम 1,000 ग्राम होता है, तो 50 किलोग्राम 50,000 एंड 50.2 जो है 50,200 ग्राम हो गया। तो इसी हिसाब से और रिसेट किया तो सारा ब्लैंक। तो ये जो है कोड, इसका हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा है इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। कॉम्बो बॉक्स को अभी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम हमने CB1 दिया है, आपको पहले दिखा देते हैं। CB1 जो उसका वेरिएबल नेम हमने यहाँ दिया हुआ है, राइट क्लिक करेंगे तो चेंज वेरिएबल नेम, देखिए उसका CB1 हमने दिया है, छोटा सा नाम CB, कॉम्बो बॉक्स CB1। तो CB1.get selected index, ये एक हमने फंक्शन यूज किया हुआ है। ये गेट सिलेक्टेड इंडेक्स समझने के लिए पहले आपको इसका डिजाइन देखना होगा। इसका प्रॉपर्टीज में मैं जाके आपको दिखा देता हूं मॉडल में। यहां देखिए, यहां पे तीन आइटम्स आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि एक कॉम्बो बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स हम एक के नीचे एक ऐसे करके मतलब रख सकते हैं, और हर आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है। ये जैसे पहला आइटम है तो इसका इंडेक्स होगा 0, और दूसरे वाले का होगा 1, और तीसरे वाले का होगा 2, और उसके बाद मान लीजिए और दो चार है तो उसके हिसाब से सीरियल आगे बढ़ेगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे होके बढ़ेगा। तो अगर मैं किलोग्राम टू ग्राम सिलेक्ट करता हूं तो उसका इंडेक्स आने वाला है क्या, उसका इंडेक्स आने वाला है 0, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है CB1.get selected index double equal to 0। अगर मैंने पहला आइटम चूज किया तो डेफिनेटली उसका यहां ये जो लाइन लिखा है उसके वैल्यू 0 आएगा, तो 0 डबल इक्वल टू राइट साइड में 0 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए कि मैंने पहला जो आइटम जो कॉम्बो बॉक्स में है वो चूज किया है, ये हमने लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर दूसरा वाला चूज करते हैं तो ये वाला इक्वल टू 1, फिर गेट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 2 अगर हम लिखते हैं तो तीसरा आइटम के लिए। तो कोई भी आइटम हम सिलेक्ट करें उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो वो टेक्स्ट फील्ड है वो एनेबल हो जाए। मैं आपको अभी थोड़ा रन करके दिखाऊं तभी आपको समझ आएगा। देखिए अब मान लीजिए मैं किलोग्राम टू ग्राम ही सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने से पहले आप देखिए यहां नीचे वाले एरिया में पूरा
पूरा ब्लैंक था। मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँ यहाँ ऑन हो जा रहा है। दोबारा देखते हैं, चलिए शिफ्ट F6 दबाया। अब देखिए ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक है। मैं जैसे ही किलोग्राम टू ग्राम कोई भी मान लीजिए लीटर टू मिलीलीटर ही चूज किया तो ये एनेबल होके आ रहा है। यहाँ भी कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है, यहाँ भी जो टेक्स्ट फील्ड है ये नजर आ रहा है एक्टिव होके। तो ये कैसे हो रहा है? इसलिए हमने लिखा है TF1.setEnabled ट्रू। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसको एनेबल कर रहा है ये। और LB2.setText लेवल टू में हम सेट कर रहे हैं क्या? एंटर वेट इन किलोग्राम। अगर पहला आइटम चूज किया है तो हमें किलोग्राम में चाहिए जो ग्राम में कन्वर्ट होगा। अगर दूसरा आइटम हमने चूज किया है तो हमें वेट इन लीटर्स चाहिए जिसको मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर तीसरा हमने सिलेक्ट किया है तो हमें प्राइस इन रुपीस चाहिए जो हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हमने लेवल टू को वैसे सेट टेक्स्ट किया है। LB2 वो लेवल का वेरिएबल नेम है। जो लेवल यहाँ बाद में नजर आ रहा है ना, ये जो लेवल पहले ब्लैंक है बाद में उसमें टेक्स्ट आ रहा है तो उसको हमने ऐसे सेट किया हुआ है। और टेक्स्ट फील्ड वन को एनेबल किया हमने ट्रू करके। टेक्स्ट फील्ड वन देखिए ये यहाँ दिख रहा है मगर जब हम रन करते हैं ना ये ब्लैंक है, ये इनएक्टिव होके है। जैसे ही मैं इनमें से कोई एक चूज करता हूँ तभी ये भी एक्टिव होता है। यहाँ भी कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप? इसी चीज को हमने यहाँ डिजाइन किया हुआ है सोर्स कोड में। आशा करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना हम दूसरे पार्ट में जा नहीं सकते। जो ये सबमिट बटन का कोड है वो दूसरा पार्ट है। पहले ये कॉम्बो बॉक्स इसको क्लिक किया तो ये दो चीजें यहाँ ये दोनों को एनेबल करता है। उसके बाद चलते हैं सबमिट बटन के ऊपर। सबमिट बटन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वाला हिस्सा हमें नजर आता है जो कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक VAL एक है RES। VAL जो है ये जो टेक्स्ट फील्ड वन है TF1 जिसका नाम दिया है मैंने वेरिएबल नेम, इस टेक्स्ट फील्ड वन से जो हमने वैल्यू एंटर किया यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा आइटम हमने वो कॉम्बो बॉक्स से चूज किया है उस हिसाब से जो वैल्यू हमने एंटर किया वो डबल में कन्वर्ट होके यहाँ VAL वेरिएबल में स्टोर होगा। और दूसरा वेरिएबल जो है RES, RES वेरिएबल में क्या होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद जो आप वैल्यू आएगा वो स्टोर होगा। फिर अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया अगर कॉम्बो बॉक्स वन का पहला इंडेक्स हमने चूज किया मतलब पहला आइटम हमने चूज किया है जिसका इंडेक्स 0 है तब हम इसका मतलब हम किलोग्राम टू ग्राम करना चाहते हैं। इसके लिए हमने उसको 1000 में मल्टीप्लाई किया। किलो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है इसलिए यहाँ 1000 मल्टीप्लाई किया जिससे कि वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम जो RES में जो है वो ग्राम में है वैल्यू, VAL में किलोग्राम में है तो ये इसको ऐसे दिखाया VAL किलोग्राम इक्वल टू RES ग्राम मतलब जो वैल्यू किलोग्राम में है वो इतना ग्राम है। उसी प्रकार ही जैसे ही दूसरा आइटम हम चूज करते हैं ये इंडेक्स 1 के साथ इक्वेट होगा। दूसरा आइटम मतलब लीटर टू मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए हमने 1000 से। फिर उसको ऐसे दिखा रहे हैं RES में अभी मिलीलीटर है, VAL में लीटर है तो VAL लीटर इक्वल टू RES मिलीलीटर ऐसे दिखाया हमने। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा जैसे ही मतलब तीसरा आइटम जो है रुपी टू पैसा कन्वर्ट करने के लिए उसका इंडेक्स होगा 2 इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा होता है, ठीक है ना? इसीलिए इसको ऐसे करके हमने दिखाया। तो आशा करता हूँ ये जो कन्वर्जन वाला कोड है ये आपको समझ आ रहा होगा। और लास्ट में आखिर में जो ये रीसेट बटन है यहाँ पे उसका जो कोड है अभी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे रीसेट दबाते ही ये जो टेक्स्ट फील्ड वन है उसको ब्लैंक कर दिया हमने, टेक्स्ट एरिया को उसको भी ब्लैंक किया, लेवल टू को उसको भी ब्लैंक कर दिया और टेक्स्ट फील्ड को हमने सेट एनेबल फॉल्स किया मतलब वो इनएक्टिव हो गया। देखिए ये चारों चीज होता है। मैं अभी पूरा कोड रन करके दिखाता हूँ फाइनली एक बार। जैसे किलोग्राम टू ग्राम नहीं तो लीटर टू मिलीलीटर मैंने चूज किया, मैंने यहाँ एंटर किया 15.3 लीटर्स। जैसे ही सबमिट दबाया देखिए वैल्यू नजर आ रहा है आपको, ठीक है? अब तक ठीक है, 15,300 मिलीलीटर आ रहा है। अभी रिसेट दबाऊं तो क्या क्या चेंज होगा? ये टेक्स्ट एरिया ब्लैंक होगा, टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक होगा,
ये इनएक्टिव भी हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड, और ये जो एंटर वेट इन लीटर्स ये भी ब्लैंक हो जाएगा। देखिए रीसेट जैसे ही दबाया ये सारे इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो और एक रुपीज टू पैसा वाला भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 57.3 रुपीज डाला है, तो सबमिट डालू तो 57 रुपी इक्वल टू 57 100 पैसा, और 0.3 मतलब 30, इसीलिए 55730 पैसा दिखा रहा है, और रिसेट दबाऊं तो ब्लैंक हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये जो कोडिंग है इसका आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं हम। आशा करता हूँ ये जो कोडिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप की कोडिंग है आपको ये समझ आ रही होगी। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।